साथियों नमस्कार। आज फिर से फर्स्ट ग्रेड की जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आ रही थी, आज फिर से एक सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। सब्जेक्ट है ड्राइंग। साथियों इसमें कितनी कट ऑफ रही थी और इसमें जो कैटेगरी वाइज में अंतर आया था और कुछ कैटेगरियों में इसमें स्टूडेंट भी नहीं मिल पाए थे, तो वो साथियों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर 27 अप्रैल 2023 RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर स्कूल लेक्चरर भर्ती ड्राइंग लिखित परीक्षा के माध्यम से आप अपना एक बार रोल नंबर जरूर देख लेवे। ये रोल नंबर हैं, इसमें सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थियों की सुनिश्चित किए जाने वाले क्रम में केवल दस्तावेज कौन कौन से दस्तावेज चाहिए ये भी आपको इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। अब आपको लेकर के चलते हैं कट ऑफ पर, कितने मार्क्स पर कट ऑफ रही है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्णांक कितने का था। साथियों इसमें दो पेपर लगते हैं, एक 75 क्वेश्चन का लगता है और एक 150 क्वेश्चन का लगता है। 75 क्वेश्चन का जो पेपर लगता है वो फर्स्ट होता है, जो जर्नल का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 150 हो जाता है। इधर 150 क्वेश्चन ये भी दो अंक का होता है, तो 300, टोटल 450 को क्या हुआ है, पूर्णांक हो गया। टोटल जो पूर्णांक है वो 450 का पूर्णांक है टोटल। अगर कट ऑफ की बात की जाती है यहाँ पर साथियों, जर्नल की बात की जाती है कि जर्नल की कट ऑफ कितनी रही थी मेल और फीमेल, तो 198.63 जर्नल की रही थी। ये डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 84 1900। अब 198 पर कितनी प्रतिशत रह सकती है, तो लगभग अगर माना कि मैं 200 पर लगा लेता हूँ प्रतिशत, बटे में 450 × 100, तो साथियों यहाँ पर लगभग अगर लिया जाता है तो 44% के समथिंग कट ऑफ रही है जर्नल की। 44% के समथिंग यहाँ पर कट ऑफ रही है। EWS की बात की जाती है तो 185 मार्क्स, और SC की बात की जाती है तो 171, और यहाँ पर साथियों ST की बात की जाती है। साथियों ST का जो रेशो निकल रहा है, मैंने कई फर्स्ट ग्रेड के कट ऑफ में देखा था, एक दो और पेपर में देखा था, तो ST की कट ऑफ अब ST से थोड़ा बहुत ज़्यादा जाने लगी है। साथियों यहाँ देख सकते हो आप, इससे पहले भी 2-3 पेपरों में देखने को मिला था। अब यहाँ पर 9 मार्क्स का अंतर है और 9 मार्क्स का अंतर बहुत अधिक हो जाता है। तो साथियों SC से ज़्यादा ST को यहाँ पर देखने को मिल रहा है 180, जबकि MBC या OBC की बात की जाती है, OBC 192 वो ही जर्नल के लगभग में रहती है। जर्नल प्लस OBC ये दोनों सेम रहती हैं, जर्नल और OBC की लगभग सेम रहती हैं। इसमें 3 से 4 मार्क्स का अंतर होता है, 3 से 4 मार्क्स का अंतर होता है। अगर क्वेश्चन की बात की जाती है तो साथियों 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर आता है जर्नल OBC में, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, हाईएस्ट 3 क्वेश्चन का अंतर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर MBC में साथियों एक भी NA मतलब एक भी स्टूडेंट नहीं मिला, मतलब नॉट क्वालिफाई, एक भी बंदा नहीं मिला था, क्योंकि जो गवर्नमेंट से रूल कर रखा था कि 40% लाना अनिवार्य है पेपर में, तो आप देख सकते हो MBC में एक भी बंदा नहीं मिला था। अब यहाँ पर हॉरिजेंटल की बात की जाती है, हॉरिजेंटल में जो एक्स सर्विसमैन हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन LB वगैरह ये दे रखे हैं, LDD अवेलेबल इन LDD अवेलेबल, और इसमें NA रेस्पेक्टिव कैटेगरी ये भी इसमें दे रखा है। यहाँ पर NA का मतलब आपको पता ही है, नॉट क्वालिफाई, मिनिमम जो गवर्नमेंट ने कर रखी है, और सचिव HL अटल ये दे रखा है। तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, और आपका रोल नंबर्स भी चेक करना। आपका भाई रिंकू 95 नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।